कश्मीर क्राउन आज आपके सामने एक ऐसे इंसान की कहानी लेके आया है जो बजाहिर खाकी वर्दी में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बतौर एसपीओ काम कर रहा है। इस शख्स का नाम मोहम्मद फरीद खान है जो बिन्यार चहला बारामूला का रहने वाला है। अपने आला अखलाक और बुलंद इंसानियत के दर्जे ने फरीद को लोगों का हीरो बना दिया। यूं तो फरीद जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा फरीद हमेशा लोगों के बीच रहकर ऐसे काम करता है जिससे उसका मर्तबा लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूं समझिए फरीद अंधों की आंखों की बीनाई, लंगड़ों की टांग और बहरों के कान बनकर हमेशा उनकी मदद करता है। जिस्मानी तौर नाखेज इंसानों की मदद के लिए फरीद का हाथ हमेशा पेश पेश रहता है। खाकी वर्दी में बुजाहिर पुलिस वाला एक आला इखलाक और आला दर्जे की इंसानियत का मालिक है। आज कश्मीर क्राउन के कैमरा में फरीद का कुछ ऐसा ही काम कैद हो गया। आप भी देख सकते हैं कैसे फरीद इस जिस्मानी तौर नाखेज इंसान का सहारा बनकर उसकी मदद करता है और फरीद की यह हरकत उसके आला कैरेक्टर को बयान करती है। फरीद ने वाकई में इस काम से डिपार्टमेंट का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मगर अफसोस, तकरीबन 19 साल तक महकमा पुलिस की खाकी वर्दी में काम करते करते फरीद के अपने अरमान और ख्वाहिशें दब कर रह गई, जिसकी वजह कलील आमदनी और कम तनख्वाह है। फरीद के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होने के अलावा 5 बेटियों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी है, लेकिन कम तनख्वाह होने के सबब फरीद के अहल आयाल की ख्वाहिशों और तमन्नाओं का बेड़ा गर्क है। ऐसा इंसान जिसके अंदर फरिश्तों जैसे सिफात हो, लेकिन खुद सुकून की जिंदगी मयसर करने को बेताब हो, वाकई में दिल को दुख पहुंचाने वाली बात है।